हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। तो गाइस, इस टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे अवेयर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस टॉपिक को चूज़ करके आपके लिए लाया हूँ। तो आइए, इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। तो आइए बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो गाइस, जो आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा कोविड-19 पीरियड चल रहा है, इसमें जो हमारे कोविड-19 के जो केसेस है वो बहुत कम आने स्टार्ट हो चुके हैं अब। लेकिन जो हमारे ब्लैक फंगस के केसेस है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस आने लगे हैं ब्लैक फंगस के। तो ये ब्लैक फंगस क्या है गाइस, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, बात करते हैं जो हमारा ब्लैक फंगस है, ये क्या है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब एक फंगस के द्वारा फैलता है, और ज़्यादातर ये उनको अफेक्ट कर रहा है जो हमारे कोविड-19 के पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, या जो हमारे अभी भी कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना से पीड़ित है, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये। और या जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको शुगर है, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है उनको ये ज़्यादातर अफेक्ट कर रहा है। या फिर जो हमारे पेशेंट हैं जो हमारे लंबे समय से वेंटिलेटर पे है, या जो लंबे समय से जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट में है, उन पेशेंट को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारा ब्लैक फंगस। तो गाइस, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस जो हमारा वो बहुत ही डेंजर डिसीज़ है, जो एक फंगस के द्वारा फैलती है। तो इसमें यही कहा गया है कि मतलब ये क्या है, ये रैपिडली अफेक्ट कर रहा है हमारे जो क्या है, जो हमारे कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, या फिर जो हमारे शुगर से पीड़ित है, मतलब जैसे जो डायबिटीज पेशेंट है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, या फिर जो हमारे वेंटिलेटर पे लंबे समय से वेंटिलेटर पे है हमारे जो पेशेंट उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, या जो लंबे समय से हमारे स्टेरॉइड ले रहे हैं जिनकी स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, या जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट में है हमारे जो पेशेंट उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो क्या करते हैं गाइस, इसके जो मतलब जो हमारे जैसे स्टेरॉइड जो हमारे डॉक्टर है ज़्यादातर किसी बीमारी में हमारे स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जैसे हम डेक्सामेथासोन का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मिथाइल प्रेडनिसोल का एग्जांपल दिया है, तो ये हमारे स्टेरॉइड है। तो गाइस, इनके जो स्टेरॉइड की जो थेरेपी होती है, जो थेरेपी को यूज़ कर रहा है उनको ज़्यादातर इफेक्ट कर रहा है हमारा जो हमारा ये क्या एक हमारा जो वायरस है ब्लैक फंगस, ये फंगस है हमारा ब्लैक फंगस, उनको अफेक्ट कर रहा है। तो गाइस, इसको हमने दूसरा नाम भी दिया है, इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, दूसरे नाम से जानते हैं इसको, म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा इन्फेक्शन है ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसके कुछ साइन और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे आज हम। तो गाइस, जो इसके साइन है उसके साइन ये है कि क्या करता है इसमें, उसे नज़ल ब्लीडिंग होने लगती है, हमारी नाक से खून आने लगता है, या नज़ल ब्लॉक, या हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, या हमारे हेडक होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, या फिर क्या होने लगता है, जो हमारी चीक होती है, अंदर गाल होती है, गाल में पेन होने लगता है, एक साइड में पेन होने लगता है, जो हमारे दांत है वो क्या होते हैं, खाना खाने में चबाने में दर्द होने लगता है, या फिर हमारे दांत ऐसे लगता है कि हमारे दांत लूज हो गए, ढीले हो गए, ऐसा फील होता है, या फिर क्या होता है हमारे बर्न जो हमारे ब्लर विजन होने लगता है, मतलब आंखों से धुंधला दिखने देने लगता है, या फिर क्या होता है डबल विजन होने लगता है, मतलब दो दिखने लगते हैं, और फिर क्या है मतलब जैसे कि हमें ये सब इससे हमारे नज़ल ब्लीडिंग है, नज़ल ब्लॉकेज होगी, या नज़ल स्टफ होगी, तो ये हमारे साइन है हमारे ब्लैक फंगस के। तो गाइस, इसके बारे में आपको बता दूं कि मतलब जो हमारे कोविड-19 के पेशेंट रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 पे या वेंटिलेटर पे, उनको ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो हमारे नॉर्मल पेशेंट है जो हमारे सही है उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उनको उनमें इसके चांसेस बहुत कम है, रेयर है, बहुत कम है। तो गाइस, इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसकी ब्लैक फंगस की। तो ये क्या है, इससे बच के रहे, तो जैसे कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो जब भी डॉक्टर से आप सलाह लें तो डॉक्टर से बोले कि हमारे स्टेरॉइड है, मतलब हमारे ड्रग्स में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, या हमसे डॉक्टर से सलाह लें कि मतलब हमारी जो ड्रग चल रही है, थेरेपी चल रही है, उसमें हमारे स्टेरॉइड तो नहीं है, तो ये सब हमें डॉक्टर से अपने जानकारी लेनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की है अपने टाइप्स मतलब फंगस की बात की है, और फंगस के साइंस की बात की है। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, जो हमारे ब्लैक फंगस है, हमारा दो टाइप का फंगस है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। एक तो है इसका नाम एक तो है हमारा
ROCM मतलब ROC मतलब राइनो राइनो और बीटो राइनो और बीटो सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस तो ये हमारा एक टाइप है हमारे ब्लैक फंगस का ROCM जिसको ROCM के नाम से जानते हैं यानी राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस और दूसरा हमारा होता है पल्मोनरी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस दूसरा कौन सा है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस तो ये दूसरा हमारा है म्यूकोरमाइकोसिस तो ये हमारा जो ब्लैक फंगस है उसको दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है उसको एक तो है हमारा ROCM यानी राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस या दूसरा है हमारा पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे उसके उसके डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में बात करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट And thank you guys, thank you for watching this video and keep supporting.